हेलो दोस्तों, तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और बड़े ही इजी वे से आपको समझ आने वाला है। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। देखो एक तो है बुक की लैंग्वेज, एक है आम जिंदगी की लैंग्वेज। तो हम पहले बुक की लैंग्वेज देख लें कि बुक क्या कहती है और आम जिंदगी ये क्या कहती है। तो बुक ये कहती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन जो भी आपके पास फ्लूड है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड होगा अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये कहता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें डेंसिटी का लगाएं, देखिए ऊपर फ्लूड का, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की निकालनी है, फ्लूड की और ये वाटर की डेंसिटी। तो इसकी ये कहते हैं कि रेशियो है, आपस में डिवाइड करके देख लेंगे जो भी आएगा वो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। अब इसकी जो यूनिट्स हैं वो देखिए, ऊपर के क्या होंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे के क्या होंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो कट जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, नो यूनिट्स। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं, आप सिंपल सा ये याद रख सकते हैं। तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी के कोई भी यूनिट नहीं है। ये किसकी लैंग्वेज है, ये है बुक की लैंग्वेज, ठीक है। अब बुक की लैंग्वेज अगर हमें समझ ही आ जाए तो हमें यूट्यूब खोलने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो जरूरत है, कारण क्या है, जरूरत क्या है वो बताता हूं। आम भाषा में हम समझते हैं इन चीज को, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरे भाई कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, कंपैरिजन है किसी भी फ्लूड का वाटर के साथ, ठीक है। कंपैरिजन हमें ना कोई स्टैंडर्ड लेके रखना पड़ता है जिससे हम देखते हैं कि ये चीज इससे अच्छी है या इससे बुरी है, जो भी अच्छा बुरा जो भी हम लाएं, या इससे हम जैसे यार क्लासरूम में देखना, हम ना हर में से एक को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, जैसे हाइट में लगा लें। अगर हम कहेंगे कि ये बंदा लंबा, इसकी लेंथ ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, किससे, उससे तो लंबा है ये बंदा, उस कोई भी नाम ले लो, उससे तो ये छोटा है, ठीक है। तो हम एक वो बंदे को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, खास करके जो पतले होते हैं उसे कहते हैं ये तू उस बंदे से तो अच्छा ही है, उससे तो थोड़ा मोटा है, या तू उससे भी पतला है। तो हम एक कंपेरिजन के लिए एक बंदे को स्टैंडर्ड मान लेते हैं किसी भी, ये आम दुनिया की चीजें हैं। तो हमारे पास फ्लूड के केस में भी यही हो गया, हमें किसी चीज को स्टैंडर्ड मानना था, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मानने के लिए सबसे बढ़िया इन्हें मिला वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी थी वो जब चेक की, ठीक है, तो डेंसिटी अगर नहीं पता तो आप पहले डेंसिटी वाली वीडियो देख लीजिए, फ्लूड मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप ओपन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड वाटर मान लिया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, सॉरी इसकी डेंसिटी थी 1000 kg/m³। तो पूरा 1000 है, इसलिए इन्होंने मान लिया चलो यार ये अच्छा है, स्टैंडर्ड मान लेते इससे। और दूसरों को इससे कंपेयर किया, कंपेयर कैसे किया कि अगर मान लो मैं किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखता हूं किसी फ्लूड की, और उस फ्लूड की फ्लूड 1 है मान लेते हैं, और उसकी जो डेंसिटी है 2000 है। अगर तो मैं आम भाषा में देखूं तो इसका क्या है, ये 2000 है और ये 1000 है, ये फ्लूड इस पानी से कितना हैवी है, दोगुना हैवी है ना। हम इसको दोगुना हैवी होने की बजाय, ये कहने की बजाय इसका नाम दे दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ऊपर क्या लिख दिया फ्लूड का, और नीचे किसको डिवाइड किया वाटर से, वाटर क्या है स्टैंडर्ड फ्लूड, तो 2000/1000 कट के दो आ गया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूड वन की क्या बन गई, 2। अब आम भाषा में हम बोल ले तो क्या है, ये 2 गुना भारी है पानी से, मैं ऐसे बोल समझ रहा हूं। चलो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की 3 है तो वो पानी से कितना हैवी हुआ, 3 गुना हुआ ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी एक्स फ्लूड की 3 है, वो पानी से कितना गुना हैवी है, 3। तो डेंसिटी पानी कितनी होती है, 1000 kg/m³ होती है ना, तो इस एक्स की फ्लूड की कितनी आ जाएगी डेंसिटी, 3000
क्यों हमने फॉर्मूला लगाना, क्यों ये डिवाइड करो, ये करो जी, वो करो जी, है ना, क्यों हमने करना, सीधे सी बात है यार, टीम होना है भी है। अच्छा चलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या हो गया, आधी, तो वो मतलब हल्का है पानी से, हल्का है कितना, आधा है उससे, पानी से आधा है, तो पानी की कितना है 1000, बार बार कह रहा हूं ना, याद दिला रहा हूं आपको, ठीक है। और इसकी एक्स वाई मान लेते, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी वाई की ये थी, तो डेंसिटी वाई की कितनी हो जाएगी, आधी 500 केजी पर मीटर क्यूब। और कई लोग कहें नहीं नहीं मैं तो सर फॉर्मूला ही लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं आते है ये चीज, आपकी बातें नहीं समझ आती, स्पेसिफिक ग्रेविटी में फॉर्मूला लगा दो, ये हमें गिवन था 0.5, ठीक है, ये y का, और वाटर से डिवाइड करना था, स्पेसिफिक ग्रेविटी y की गिवन थी 0.5, वाटर की इधर आ जाएगी डेंसिटी, और y की डेंसिटी निकल जाएगी, तो ये 0.5 इंटू 1000, तो ये कितनी आगी, 500 आगी ना, किसकी डेंसिटी आगी, y की। अब चाहे कान ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, आप आम भाषा में इस्तेमाल करो, डेली की चीजों में यूज करना शुरू करो। अगर हम कह देना कि यार तू तो उस बंदे से 2 गुना है, तो हम कह दें यार तेरी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 है, वो मर जाए, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, अब तू है ना, मैं वैसे ही कर नहीं सकते ना, हम क्या करें, हम जहां पे रह रहे हैं उस चीज के रूल मानने पड़ते हैं हमें। लेकिन अगर हम ऐसी भाषा में बात करें, यार इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आधी है, 0.5 है, मतलब ये उससे तो आधा ही है बेचारा समझ लो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इस तरह से नोट करो, ना कि उस तरह से, ये होता है सिर्फ बुक में आप इधर उधर करना कर रहे हो, लेकिन मतलब किसी का नहीं पता, ये है मतलब पता होना। अगर आपको समझ आया तो मुझे नीचे लाइक का बटन दबाना चाहिए, ठीक है, अगर आपको समझ आया तो मुझे पता होना चाहिए कि आपको समझ आया, तो मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे समझ आया सर, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूं कि मैं जो करा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, वो मैसेज मेरा पहुंचना चाहिए आप तक। थैंक यू सो मच।